परेशानी तो बहुत आती है एक एक परेशानी थोड़ी है पूरे दिन पूरा महीना अगर काम मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है सरकारी योजना के लिए एक दस्तावेज भेजने के लिए पंद्रह से बीस रोज लग जाते हैं अगर आदमी पंद्रह बीस रोज अगर सरकारी दस्तावेज की पूर्ति करेगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा मोदी को बोल दो कि और महंगाई बढ़ा दे पेट भर के खाएंगे हम काम लग नहीं रहे लोग लो, बेरोजगार हो रहे हैं धंधे पानी कुछ है नहीं मोदी जी जैसा कोई नहीं है और कोई नहीं चला सकता उसकी सरकार उसकी सरकार कोई नहीं चला सकता है कोई नहीं चला सकता है उसके सर की सरकार यहाँ पे चौराहे पे मतलब उनको छे सौ छे सात सौ छह और उनको काम करना नहीं दिन भर दारू पीना है वो खड़े रहते हैं चौराहे पे कौन बोल रहा है काम नहीं रोज काम है सर यहाँ पे नमस्कार हम खड़े हैं इंदौर के खजराना इसको बोलते हैं मजदूर चौक बोलते हैं मजदूर छोटा सा शब्द नहीं है मजदूर बहुत बड़ा शब्द है मजदूर देश बनाता है मजदूर फैक्ट्रिया चलाता है बड़े बड़े मकान बनाता है वो झोपड़ी में रहता है लेकिन बड़े बड़े मकान बनाता है लेकिन मज़दूर जो है उसकी भी कुछ आकांक्षाएं रहती है उसके भी अपने कुछ सपने होते हैं और अपने काम होते हैं और इंदौर तो मजदूरों के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि एक ज़माने में यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कपड़ा मिले थी और मजदूर थे किसी कारणवश वो मिले बंद हो गई और मज़दूर परेशान होने लगा अब मज़दूर इस जगह जगह इंदौर के कई ऐसे चौराहे हैं जिसको मज़दूर चौक कहा जाता है वो सुबह से टकटकी लगाए हुए इस आशा में आते हैं कि कोई आएगा उन्हें काम देगा और वो अपने परिवार का बच्चों का भरण पोषण करेगा बहुत सारी जनता तो। क्या -क्या परेशानी आती परेशानी तो बहुत आती है एक, एक परेशानी थोड़ी है पूरे दिन पूरा महीना अगर काम मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है तुम्हें तो कितने दिन काम मिलता है हफ्ते में मिल जाता है चार पाँच रोज बस कौन कौन है परिवार में परिवार में बीवी बच्चे कैसे पालन पोषण होता है फिर चल रहा है एडजस्ट कर रहे हैं क्या करो फिर अच्छा चुनाव आने वाले हैं विधानसभा चुनाव तो हो गए अब प्रधानमंत्री के चुनाव आने वाले हैं क्या उम्मीद है मजदूरों को क्या सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है आप लोगों को सरकारी योजना के लिए एक दस्तावेज भेजने के लिए पंद्रह से बीस रोज लग जाते हैं अगर आदमी पंद्रह बीस रोज अगर सरकारी दस्तावेज की पूर्ति करेगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा जब जाके और वो भी फार्म आ, बोले ये हो गया वो हो गया तो दस से पंद्रह बार फिर घूमते हैं तो इतना टाइम है क्या ये बताओ चौराहे पे वैसे ही काम धंधे नहीं है चार दिन काम करता है एक दिन काम नहीं लगता है सर नहीं अभी वापस चुनाव आने हैं प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधानमंत्री से क्या क्या सोचते हैं आप हम यूँ सोचते हैं कि हमारा रोज़गार लगा रहे और कि अच्छा मोदी भी अच्छा है ऐसी बात नहीं है पर आ, हमारा रोज़गार हमको मिलता रहे हमारी अपेक्षा है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो हमको मजदूर खूब से खूब मिले या कंपनी खोले या कहीं भी मजदूर भाई को लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए बड़े बड़े लोगों का कार रही है सब कहीं कर रही है लाडली बहनायों को दे रही है भाई लोग ऐसे ही बैठे हैं पर वो भी ठीक बात है ऐसी बात नहीं है वो भी अपने घर के सदस्य है पर जो जेंट्स को काम मिलना चाहिए उस तरीके से काम नहीं मिल रहा है और सैलरी भी नहीं मिल रही है तो बच्चों का पालन पोषण कैसा करेंगे गरीबों को अनाज की जो योजना है ये तो सब इसका फायदा मिलता है हाँ वो तो मिल रहा है कंट्रोल से दे भी रहा है हर महीने देता है चावल ज्यादा दे रहे हैं गेहूँ कम दे रहे हैं ये ये तरीका हो रहा है परेशान कुमार बताइए प्रशांत कुमार आप अपनी समस्या बताया कि आप बार बार मेरे पीछे पीछे अरे नहीं मैं अब आप आपसे पूरी बात करूंगा आप बताओ जो आपके मन में सर ऐसा है मजदूरों को रोज रोज जो है रोज मजदूरी मिल नहीं रही है और एक तो क्या है फोर हंड्रेड मिलते हैं इनको चार कहीं पाँच सौ और हफ्ते में तीन से चार दिन ही इनका रोजी ही रोजगार ही मिल पाती है बाकी दिन यूं ही खड़े रहते चौराहे पे आगे का खजराने का चौराहा भी जो है वहाँ के भी लोग यहीं पर आ गए हैं ये चौराहा इसलिए बड़ा हो गया वहाँ पे काम चल रहा है रोड का तो वहाँ के सारे मजदूर और भी यहाँ पर आ गए ये चुनाव आने वाले हैं क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में सर गरीबों के छोटे छोटे से यही मुद्दे हैं अब नगर पालिका जाओ चाहे नगर निगम जाओ चाहे ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जाओ अब ऑफिस में जाते हैं किसी काम से जैसे मेरे ही लड़के का राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है तो पंद्रह से बीस दिन हो गए वही चक्कर लगा रहे हैं कि राशन कार्ड में लड़के का नाम जुड़ जाकर अगले साल वो स्कूल जाना चालू करे छोटे सम... छोटे काम में आपको वहां समय ज्यादा छोटे हाँ, छोटे कामों में जो है अधिकारी परेशान करते ना सर एक साइन करने में परेशान करते हैं कि कल आना परसों आना बाबू नहीं है अब चुनाव आने वाले हैं फिर से हाँ चुनाव तो क्या अब क्या आपके मन में क्या मुद्दे होंगे मुद्दे तो सर महंगाई तो दे देखो चरम है। बताइए अपनी बात। मोदी को बोल दो कि और महंगाई बढ़ा दे पेट भर के खाएंगे हम काम लग नहीं रहे लोग बेरोजगार हो रहे है धंधे पानी कुछ है नहीं है रेट मर नहीं रहा मजदूरी का है आदमी भूखे मर रहा डेली काम करने के बाद कर्जे में गड़ा रहा और इतनी महंगाई और महंगाई और बढ़ा दे अठारह कर दे टंकी के इस बार गैस टंकी के हम पेट भर के खाना खाएंगे हैं और हर चीज में कागज पत्थर में इतनी परेशानी है एक कार्यालय में दौड़ो अरे एक ही सर्टिफिकेट ऐसा बना देनी कि आदमी को दस कार्यालय में दौड़ना नहीं पड़े है एक ही ऐसा कार्ड बना दे कि बच्चे को एडमिशन कराना है फलाना लाओ हॉस्पिटल से जो तूने हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र दिया वो मान्य नहीं है अभी डिजिटल बनाओ तहसीलदार के पास धक्के खाओ एक महीने तक वहाँ दौड़ो तहसील में उसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र बनता है बच्चों का और जो जो तुमने हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र दिया वो मान्य नहीं, नहीं है युवा हैं आप आते हैं रोजगार के लिए हफ्ते में कितने कितने दिन दिन का नहीं मिल रहा दिन से या हो, कितनी बार मिलता है का? काम आठ दिन में दो बार दो दिन मिलता है हाँ दो दिन काम मिलता है बस चुनाव आया है सामने क्या उम्मीदें रखते हैं आप सरकार सरकार कांग्रेस सरकार आएगी और क्या कांग्रेस सरकार और ये कितना कितनी ले लेते हैं आप रोज़ की लेबर कितनी लेते हैं सर देखो हमारे लेबर जो है लेबर मतलब उन लोगों पे कंफर्म करते हैं। जैसे हमारे पे तो कोई कंफर्म नहीं है जैसे हमने 500 बोल दिए तो 400 बोलेगा जो भी है उनका उनके ऊपर है हमारे ऊपर कुछ भी नहीं तो इसका हमारा मतलब यही कहना है कि हमारा थोड़ा देखो यार मजदूर लोग है तो हमारी मेहनत तो कम से कम मिलना चाहिए हमारे को और हमारे मेहनत का सर यही है कि सरकार ये कन्फर्म करेगी भाई किसी भी व्यक्ति को कितनी मतलब दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी कितनी चाहिए आदमी मतलब महंगाई के हिसाब से आप देख सकते हो कि महंगाई के हिसाब से आदमी को कम से कम छः सात सौ रुपये तो चाहिए चाहिए तो यहाँ पर कभी दो सौ तीन सौ चार सौ कभी लगती है कभी नहीं भी लगती अब ये चुनाव आ रहे हैं अब क्या होगा मजदूरों का मुद्दा मजदूरों का मुद्दा मजदूर क्या करेंगे उसमें मजदूर कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे कमा रहे खा रहे हैं ऐसे कमाएंगे खाएंगे एक दिन काम करना दो दिन घर रहना है जनता में बड़ी ताकत होती है जनता में तो ताकत पूरी है आप उसी में से हो हम भी उसी में से हैं देखो जनता उसमें कुछ नहीं करेगी वोट जहाँ जाएगा जा वो तो वहां जाएगा जा ही जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है होता है ना जब आप किसी को वोट देते हो तो आपको लगता है ना अंदर से कि, कि किसको मुझे वोट देना है मैं ये नहीं बोलना पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किसको वोट दो लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके मन में क्या होगा क्या सोचोगे आप किसके बारे में कि आप किसको दो सरकार किसकी बनानी है सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ वो आपको बनाना है मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ एक मन होता ना, है ना चुनाव आ गए हैं तो एक मन होता है थोड़ी तो ना हमारी सरकार तो बनी हुई है हमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो मुद्दे होते हैं कि यार मुझे अपेक्षा होती ना आपने अभी कहा कि मुझे मजदूरी के पैसे चाहिए यार रोजगार थोड़ा मिल जाए हफ्ते में छह दिन काम मिल जाए तो ऐसे भी चीज़... मन में चीजें आती है नहीं हफ्ते में छह दिन काम उसमें ऐसा है छह दिन तो काम चौराहे पे मिलता नहीं है दो से तीन दिन चार दिन कर लिया कर लिया बाकी तीन चार दिन घर बैठना है ये कंफर्म है सरकारी नौकरी तो कोई है नहीं ना कोई प्राइवेट जो हो भैया ये।, ये सब नसीब का खेल है चौराहे पे मतलब ये पानी पीना है, है, है जो रोज सब लोग आते हैं ये सब एक ऊपर वाले के भरोसे पे तो तो आते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले के भरोसे पे पब्लिक देखो ना आप कितनी पब्लिक है पब्लिक देखो आप देखो भाई साहब में कितने आदमी खड़े हुए हैं देखो मेरी बात सुनो भाई साहब खुली बात है जब से है ना ये मोदी बेटा इधर वाला उज्जैन वाला उसके बाद में काम था। जो शिवराज सिंह मामा था वो कर रहा था जितना भी काम था वो कर रहा था, था। वो जो उज्जैन वाला जो बना था उसके बाद में कुछ भी नहीं कर रहा है उसने इतने रोक लगा दी सब्जी भाजी पे, हर चीज़ पे रोक लगा दी हर बात को रोक लगा दी और गरीबी के हालत है ना बहुत अभी राशन भी बंद कर रहा वो राशन भी, भी बंद कर रहा है वो और... राशन नहीं मिल रहा राशन नहीं मिल रहा है राशन राशन तो तो बंद राशन चालू और उसके बाद में ना उसने बोल दिया कि राशन भी बंद करूंगा सब कुछ करूंगा और कुछ भी नहीं मिल रहा है टंकी का भाव और टंकी का बोला था मामा ने बोला था पांच सौ में टंकी वही चौदह सौ रूपये टंकी ले रहे हैं हम चौदह सौ रूपये टंकी ले रहे वो सब टंकी इतनी महंगी कहाँ है बारह सौ रूपये अभी दे रहे हैं ना चलो सर नौ सौ तीस रुपए की टंकी आ रही है नौ सौ तीस रूपए की टंकी आ रही है और क्या चाहिए तुम हजार रूपए रोज कमा रहे हो और आज नौ सौ तीस रूपए की टंकी एक दिन में नहीं भरा सकते हो क्या तुम हजार रूपए वो क्या बोलते है कलाली में दे देते हो हजार पंद्रह सौ रूपए की दारू पी जाते हो नौ सौ तीस रूपए की टंकी नहीं भरा सकते हो मोदी जी जैसा कोई नहीं है और कोई नहीं चला सकता उसकी सरकार उसकी सरकार कोई नहीं चला सकता है कोई नहीं चला सकता है उसके सरी की सरकार मैं बोल रही मोदी जी की सर की कोई सरकार नहीं चला सकता है का, कांग्रेस के राज में उनने इस्ते, इस्ते साल करा तो उसमें क्या हुआ बदमाशी बलात्कार यह हुआ और क्या हुआ क्या कर लिया आज मोदी जी के राज में घर घर पैसा आ रहा है बैंक में अकाउंट में पैसा आ रहा है ए, एक रुपए किलो दो रुपए किलो राशन मिल रहा है घरों घर -गर लेटरिन बाथरूम बनी हुई है ए, नल के कनेक्शन हो गए ड्रेनिज लाइन डल गई है जहाँ गाँव में जाना पसंद नहीं करते तो लोगों ने आज वहां चमन हो गया पूरा ए आज ये मेट्रो मेट्रो का, का काम चल रहा है तो तुम गाँव से यहाँ गए है तो फिर मोदी जी जैसा कोई नहीं है और हर साल मोदी और मोदी के अलावा सरकार कोई चला भी नहीं सकता है मैं आखिरी एंड बोल रहा हूँ कि मोदी के अलावा सरकार कोई चला ही नहीं सकता है तो मजदूरों मजदूरों के मज़्दुरों के अपने अपने मुद्दे होते हैं आप क्या करना है आपका श्रीमान पटेल पटेल साहब चुनाव आने वाले अब क्या आप मजदूर हैं आपको रोजगार मिलता है क्या मुद्दे होंगे बिल्कुल बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता यहाँ खड़े खड़े चले जाते घर बिल्कुल काम नहीं बोल रहा है ही नहीं काम बिल्कुल बंद कर दिया जा रहा है सब आप इंदौर के हैं हाँ नहीं बाहर के है अच्छा तो रोजगार की तलाश में इंदौर आए हाँ रोजगार की तलाश में इंदौर आए सर अरे इंदौर में इंदौर में हो गए चार पाँच साल अब इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं क्या मुद्दे क्या मन में है आपके आपके जहन में क्या चीज़? मन में यही है महंगाई बढ़ती जा रही और क्या महंगाई को कोई समान नहीं रहा है सब्जी के रेट क्या है गैस के भाव क्या हो गए डीजल के पेट्रोल के क्या हो रहा है महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही और क्या मजदूरी वही वही है जहाँ कहता मजदूरी वही है मजदूरी को कोई नाम नहीं ले रहा बढ़ने का मजदूरी वही है अब ऐसे में आदमी कैसे बच्चे पालेगा कैसा घर चलाएगा बताओ आप तो आपने सोचा होगा ना कि अब भाई रोज फेस करते हैं इन समस्याओं को रोज आपके सामने आती है आपने भी बोला कि आते हैं आठ दिन में दो तीन दिन रोजगार मिलता है तो आपके मन में कुछ विचार तो हुआ होगा ना कि भाई अब हमको सोचना है इलेक्शन आने वाला है विचार है इलेक्शन आने वाला अब जो अब तो सरकार बोलते बेचारे अब और क्या कुछ हो ही नहीं रहा कुछ चार ही पानी नहीं है काम धंधे ये है स्थिति खड़े खड़े कैसे गुजारा चलेगा हमारा बताओ सरकारी योजनाएं जो है उसका फायदा मिलता है कोई फायदा नहीं मिलता हमारे को तो कोई फायदा नहीं मिलता न कंट्रोल में गेहूँ मिलता न चावल मिलता कुछ भी नहीं मिलता हमको तो पैसे भी नहीं मिलते लाली बेना फलानी योजना सब बंद कर दिया हमारे वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता तो अभी लोग बता रहे हैं कि सब मिलता हमारे को मिल ही नहीं रहा जिसको मिल रहा तो बता रहा हाँ सब कुछ आ रहा है हमारे को नहीं मिल रहा है, है भारत भारत, भारत भारत तो तलाश में काम की क्या आपके मन में विचार है हमारा काम सर रोज लगता है सर काम की कोई दिक्कत नहीं है ये चौराहे पे आधे से ज्यादा सब दारू वाले इंसान हैं सबका काम का का लगता है जो आधे से ज्यादा लोग मतलब जो पीते नहीं उसका का काम नहीं लगता है यहाँ पे चौराहे पे मतलब उनको छे सौ छह सात सौ और उनको काम करना नहीं दिन भर दारू पीना है वो खड़े थे चौराहे पे कौन बोल रहा है काम नहीं रोज काम है सर यहाँ पे हाँ चलो हमारे थे काम हम पे चुनाव आ गए हैं आपके मन में क्या है क्या सोचते है सरकार आ आ सरकार हैं सरकार के बारे में सरकार वाई है बीजेपी की आएगी और किसकी आएगी संतुष्ट है सरकार संतुष्ट है सर बिल्कुल संतुष्ट है सर हजार रुपये रोज कमा रहे हैं सर हम कोई दिक्कत नहीं हमको सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है ना सर लाडली बहना का मिल रहा है अनाज मिल रहा है सर हर रोज मिल रहा है हर चीज़ मिल रही है सर हर चीज मिल रही है तो सरकारी संतुष्ट है सरकार के कामों से और अब चुनाव होगा उसको लेके क्या विचार है अरे कोई विचार नहीं है बस ये रोजगार चलता रहे हमारा और क्या है हमारे को रोजगार ही चाहिए अब यहाँ से अभी तो ये समझ लो कि चौराहे से काम कर रहे हैं अभी तो चार दिन भी काम लग रहा है दो दिन भी काम लग रहा है नहीं बैठे हुए हैं है कि नहीं है सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे को कुछ रोजगार मिले अरे तो परमानेंट में कितना इंसान जो है पाँच सौ रुपए रोज मिलता है परमानेंट में एक जगह काम करो ना आप जाओ तो मारते अच्छा कौन मारता है मारते है अपने इंदौर शहर के अंदर मालवीय नगर में अपने यहाँ पे नेता लोग घर घर आके नहीं वोट मांगते हैं क्या और जब कोई समस्या खड़ी होती है तो एक भी नेता है ना घर पे आके किसी किसी व्यक्ति का कोई निराकरण नहीं करता है कोई समस्या का समाधान नहीं पूछता उससे नेता लोगों को घर घर आके नहीं एक एक घर जाके नहीं हर व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का उसकी जानकारी निकाल के नहीं जैसे कि जनगणना होती है है ना जनगणना में सबके नाम लिस्ट लिखे जाते हैं हर एक हर एक घर के सदस्य के कितने सदस्य हैं इस घर में इसका क्या क्या रोजगार है क्या क्या काम करता है क्या नहीं करता इसका रोजगार चलता है कि नहीं इसका परिवार कैसे चलता है ये यहाँ के नेता को समझना चाहिए ये नेता लोगों ने जो यहाँ पे अपने रोजगारियों कम कर रखा है ये बेरोजगारी है मकान की लाइन में जो मज़दूर लोगों को या तो है ना ये मजदूरी लाइन से कोई दूसरा रोज़गार देना चाहिए इन ने लोगों को नेता लोगों को बस इतना ही कह सकता हूँ मैं देखिए आप जिस मजदूर चौक पे बहुत सारे मजदूर हैं जो खुश भी हैं कि सरकारी सुविधाएं उनको मिलती है कुछ मज़दूर हैं उनके मन में ये पीड़ा है कि हफ्ते में कभी दो दिन या तीन दिन काम मिलता है कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि ये हमें सब रोज़गार दे दे हम काम करने को तैयार हैं हमको प्रॉपर रोजगार मिल जाए कि हम पर दिन काम कर सकें और अपना परिवार पाल सकते हैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा एम तक इंदौर